लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल को और बेल आइकन दबाइए एवं देखिए मेरे वीडियो आप सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार मेहता और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रेलवे के एग्जाम से संबंधित 500 VVI प्रश्न जो कि GS से संबंधित हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ 100 क्वेश्चन का जवाब ही दे रहा हूं और बाकी का जो प्रश्न है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो ये वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस 100 प्रश्न में से आपको जितना भी प्रश्न का जवाब पहले से आता था इसका जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो की ओर। चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व होता है, तो इसका जो आंसर होगा होगा सिल्वर ब्रोमाइड। दूसरा प्रश्न है कि ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है, तो इसका जो आंसर होगा होगा CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो इसका जो आंसर होगा होगा पुणे में। चौथा प्रश्न है, जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है, तो इसका आंसर होगा एक समान रहता है। और पांचवा प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है, तो इसका जो आंसर होगा होगा कुत्ते के काटने से होता है। चलिए छठा प्रश्न है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह होता है, तो इसका जो आंसर होगा होगा हीलियम। सातवां प्रश्न है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किसके रूप में होता है, तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोजन। इसका आंसर होगा ग्लाइकोजन। आठवां प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नौवां प्रश्न है, एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर होगा जी बॉस्टिंग हाउस ने। दसवां प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो इसका जो आंसर होगा होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। नौवां प्रश्न है, रिफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है, तो इसका जो कार्य होता है एक समान ताप तापमान बनाए रखने का, तो इसका भी आंसर हो जाएगा एक समान ताप बनाए रखने का। चलिए बारहवां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है, तो इसका आंसर होगा फीमर। 13वां प्रश्न है, ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है, तो इसका आंसर होगा स्टील में। 14वां प्रश्न है, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है, तो इसका आंसर होगा एड्रिनल। 15वां प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। 16वां प्रश्न है, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो LPG गैस में लीकेज को ज्ञात करने के लिए। 17वां प्रश्न होगा, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर होगा तारापुर में। 18वां प्रश्न है, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, तो इसका आंसर होगा जल की प्रवाह की दर। 19वां प्रश्न है, पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व होता है, तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। 20वां प्रश्न है, साल्ट पीटर क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा पोटेशियम नाइट्रेट। 21वां प्रश्न है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है, तो इसका आंसर होगा जल और लवण के कारण। 22वां प्रश्न है, पायरोमीटर मापता है, तो इसका आंसर होगा विकिरणों की तीव्रता को। 23वां प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इसका आंसर होगा सेलुलोज।
चौबीसवां प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर होगा मधुमेह। और पच्चीसवां प्रश्न है कि मेटियोरोलॉजी विज्ञान है मौसम का, इसका आंसर होगा मौसम का। छब्बीसवां प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है, तो इसका आंसर होगा एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस। सैंतीसवां प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर होगा फंक ने। अठारहवां प्रश्न है, जीनोम चित्रण का संबंध है, तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क के चित्रण से। इसके बाद उनतीसवां प्रश्न है, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है, तो इसका आंसर होगा चेचक। तीसवां प्रश्न है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर होगा मसूढ़े को, मसूढ़े को। इकतीसवां प्रश्न है, नीला थोथा क्या है, कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट को हम लोग कहते हैं नीला थोथा। और बत्तीसवां प्रश्न है, हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी, तो इसका आंसर होगा काली। तैतीसवां प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 33 है कि फैदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा समुद्र की गहराई। चौतीसवां प्रश्न है, गैस इंजन की खोज किसने की, तो इसका आंसर होगा चार्ल्स ने। पैंतीसवां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। छत्तीसवां प्रश्न है, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है, इसका आंसर होगा गुर्दे की, गुर्दे की। सैंतीसवां प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर होगा 1977 में। अड़तीसवां प्रश्न है, अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क। तो प्रश्न नंबर 39 में दिया हुआ है कि अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है, तो इसका आंसर होगा 3 घंटे तक। और इसके बाद प्रश्न नंबर 40 में दिया हुआ है कि मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है, मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है, तो इसका आंसर होगा 7.4। इसके बाद प्रश्न नंबर 41, तो प्रश्न नंबर 41 में दिया हुआ है कि सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है, इसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। इसके बाद 42वां प्रश्न है मेरा, यानी प्रश्न नंबर 42 में दिया हुआ है कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, तो इसका आंसर होगा 120 दिन। प्रश्न नंबर 43 में दिया हुआ है, आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। प्रश्न नंबर 44 में दिया हुआ है कि एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना कहलाती है, इसका आंसर होगा उत्तक। प्रश्न नंबर 45 में दिया हुआ है, नमक का अनुसूत्र होता है, इसका आंसर होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। और प्रश्न नंबर 46 में दिया हुआ है कि जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है, इसका आंसर होगा भौतिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 47 में दिया हुआ है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। इसके बाद प्रश्न नंबर 48 में दिया हुआ है, पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व होता है, इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 49 में दिया हुआ है, शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाला खनिज लवण है, इसका आंसर होगा NaCl। प्रश्न नंबर 50 में दिया हुआ है, थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग होता है, इसका आंसर होगा घेंघा। प्रश्न नंबर 51 में दिया हुआ है कि एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो वह दिखेगा, इसका आंसर होगा काला। प्रश्न नंबर 52 में दिया हुआ है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है, इसका आंसर होगा सेलुलोज की। प्रश्न नंबर 53 में दिया हुआ है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है, इसका आंसर होगा अग्नाशय ग्रंथि। प्रश्न नंबर 54 में दिया हुआ है, हाथी में
बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? इसका होगा कृंतक, कृंतक दांत। प्रश्न नंबर 55 में दिया हुआ है, पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, इसका आंसर होगा पित्तरस में। प्रश्न नंबर 56 में दिया हुआ है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? इसका आंसर होगा जल में। प्रश्न नंबर 57 में दिया हुआ है, कोशिका का शक्ति ग्रह है? इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 58 में दिया हुआ है, लाइसोसोम की खोज किसने की? इसका आंसर होगा डी डयुवे। प्रश्न नंबर 59 में दिया हुआ है, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका होती है? इसका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। प्रश्न नंबर 60 में दिया हुआ है, कोशिका की खोज किसने की? इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। प्रश्न नंबर 61 में दिया हुआ है, वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है? इसका आंसर होगा केंद्रक। प्रश्न नंबर 62 में दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं? इसका आंसर होगा लाल रक्त कणिकाएं। प्रश्न नंबर 63 में दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं होती है? इसका आंसर होगा आहार नाल की कोशिकाएं, प्रश्न नंबर 64 में दिया हुआ है, कोशिका द्रव में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है? इसका आंसर होगा 1%। प्रश्न नंबर 65 में दिया हुआ है, मानव शरीर में पाए जाने वाली अमीनो अम्ल की संख्या है? इसका आंसर होगा 20। और प्रश्न नंबर 66 में दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? इसका आंसर होगा यकृत यानी लीवर। प्रश्न नंबर 67 में दिया हुआ है, भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं? इसका आंसर होगा वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न नंबर 68 में दिया हुआ है, उच्च उच्च श्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड उच्च श्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? इसका आंसर होगा 17%। और प्रश्न नंबर 69 में दिया हुआ है, मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है? इसका आंसर होगा 12 से 18 बार। प्रश्न नंबर 70 में दिया हुआ है कि बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं? इसका आंसर होगा पुष्ट फुफ्फुस। और प्रश्न नंबर 71 में दिया हुआ है, जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है? इसका आंसर होगा 35 बार प्रति मिनट। और प्रश्न नंबर 72 में दिया हुआ है, श्वसन दर सबसे कम होगी? इसका आंसर होगा सोते समय। और प्रश्न नंबर 73 में दिया हुआ है, वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब होता है? इसका आंसर होगा 760 mmHg। और प्रश्न नंबर 74 में दिया हुआ है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? इसका आंसर होगा विटामिन के की कमी से। प्रश्न नंबर 75 में दिया हुआ है, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? इसका आंसर होगा 4। प्रश्न नंबर 76 में दिया हुआ है, सार्वत्रिक दाता रक्त समूह होता है? यह होगा ओ। प्रश्न नंबर 77 में दिया हुआ है कि हृदय के स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है? इसका आंसर होगा ईसीजी। और प्रश्न नंबर 78 में दिया हुआ है, कि रक्त होता है, तो रक्त जो है, रक्त एक क्षारीय पदार्थ है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 79 में दिया हुआ है, अस्फिग्मो मैनोमीटर से मापते हैं, तो अस्फिग्मो मैनोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है यानी ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। और प्रश्न नंबर 80 में दिया हुआ है कि एंटीबॉडी का अभाव होता है, तो एंटीबॉडी का अभाव सिर्फ होता है रुधिर वर्ग यानी रक्त समूह AB में। और प्रश्न नंबर 81 में दिया हुआ है कि शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका आंसर होगा श्वेत रक्त कणिकाएं, क्योंकि श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में अनेकों तरह के बीमारियों से लड़ता है। और प्रश्न नंबर 82 में दिया हुआ है कि मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत होता है, तो मूत्र के साथ जब ग्लूकोज निकलता है तो इस रोग को हम लोग बोलते हैं मधुमेह रोग, जिसको हिंदी में चीनी का बीमारी भी कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 83 में दिया हुआ है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, तो हमारे यानी मनुष्य का मस्तिष्क का जो भार होता है 1400 ग्राम। और प्रश्न नंबर 84 में दिया हुआ है कि कोहनी की संधि होती है
तो कोहनी की संधि जो होती है उसको हम बोलते हैं कोर संधि, कोर संधि। और प्रश्न नंबर 85 में दिया हुआ है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि होती है उसको हम बोलते हैं स्टेप्स, स्टेप्स जो होता है कान में। और प्रश्न नंबर 86 में दिया हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है, तो इसका आंसर होगा फीमर। और प्रश्न नंबर 87 में दिया हुआ है मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है, तो इसका आंसर होगा 33, इसका आंसर होगा 33। और प्रश्न नंबर 88 में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 88 में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 88 में दिया हुआ है कि जैविक घड़ी का कार्य करने वाला ग्रंथि है, तो इसका आंसर होगा पिनियल ग्रंथि। और प्रश्न नंबर 79 में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 79 में दिया हुआ है कि अस्तनी में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो इसका आंसर होगा थायरोक्सिन। और प्रश्न नंबर 90 में दिया हुआ है नारी विकास हार्मोन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और प्रश्न नंबर 91 में दिया हुआ है भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है, तो इसका आंसर होगा गाइटर। और प्रश्न नंबर 92 में दिया हुआ है द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण होता है, तो इसका आंसर होगा मेढक। और प्रश्न नंबर 93 में दिया हुआ है मानव शिशु में आंसू ग्रंथियां सक्रिय होती है, तो उसको हम बोलते हैं होती है जन्म के 4 माह बाद, जन्म के 4 माह बाद। और प्रश्न नंबर 94 में दिया हुआ है गवार पाठा किस आवास में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा मेरु आवास। और प्रश्न नंबर 95 में दिया हुआ है मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किया था, तो इसका आंसर होगा मटर। और प्रश्न नंबर 96 में दिया हुआ है बरगद है, तो बरगद एक अवृत बीजी पौधा होता है, इसलिए इसका आंसर होगा अवृत बीजी। और प्रश्न नंबर 97 में दिया हुआ है कि पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करता है, तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 98 में दिया हुआ है कि निम्न में से किस में कायिक जनन होता है, तो इसका आंसर होगा आलू। और प्रश्न नंबर 99 में दिया हुआ है पुष्प में जनन अंग है, तो इसका होगा आंसर पू केसर, ठीक है। और प्रश्न नंबर 100 में दिया हुआ है ट्रिपनोसोमा से होने वाला रोग होता है, ट्रिपनोसोमा से होने वाला रोग होता है, तो इसका आंसर होगा निद्रा रोग, निद्रा।